करने से पहले ऐसी बारिश के सामने ये दिख रहा है, इतनी देर बारिश सुबह से हाँ बारिश, बट कोई नहीं इंशाल्लाह। मुझे लगता है पापा को हम तभी लाएंगे जब नीचे होगा। बार बार बोलने में अटक जाता हूँ। रोज पूछते दीपिका तो सही है, हा? पापा रोज पूछते दीपिका तो सही है, बता देते हैं अच्छी है। मुझसे गर्मी में कब बच्चे को देखूंगे, कब देखना है मुझे, जब वो आएंगे उस दिन वो खुशी खुशी आएंगे वो। इंशाल्लाह एक हफ्ता और, क्यों इंशाल्लाह एक हफ्ता और फिर लाएंगे। अरे वाह डबल डबल, चलो अच्छा ये भी हाथ से निकलेगी। क्या दूं मैं ये यार, इतने सब सस्ते में नहीं, इतना बड़ा इससे मुझे खुद ही ये दी तोहफा जो बोलो दे दिया, अभी क्या दूंगा इसको निकाल के, और उससे भी ज्यादा सुकून मिलता है जब शो मेरे साथ चलते हैं और उसको देख के से स्माइल करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ मदर्स विल। बेबी के डिस्चार्ज को लेकर शोएब इब्राहिम का कहना है कि अभी एक हफ्ता और लग सकता है बेबी को हॉस्पिटल में। शोएब दीपिका का कहना है कि स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगा कि 4-5 दिन बेबी को NICU में रहना पड़ सकता है, लेकिन काफी टाइम गुजर चुका है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि बेबी पहले से काफी बेहतर है। शोएब दीपिका के बेबी के लिए हर जगह दुआएं हो रही हैं, फैंस दिल से दुआ करते नजर आ रहे हैं, काफी कमेंट में दीपिका और शोएब इब्राहिम को दिलासा भी दे रहे हैं। माशाल्लाह बेबी अब पहले से काफी ठीक हो चुका है और बहुत जल्द बेबी अपने घर आने वाला है, और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि आप शोएब दीपिका के बेबी के लिए दुआएं करें। आपसे ज्यादा चाहते हैं वीडियो पसंद आए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।